कैरेक्टर के आने के लिए आपको वैसा बनना पड़ता है. तो आई थिंक आई ट्राइड. यू ट्राइड एंड यू डिड एन अमेजिंग जॉब. अच्छा, अगर किरण ना करती ये रोल तो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो कर सकती? किरण ना करती तो आई थिंक महविश हयात. ओके. आई थिंक कि वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं. और जस्ट बिकॉज आई कैन, मुझे लगता है कि अगर मैं ना करती तो वो एक वो कर सकती. अच्छा, शान के साथ पहली फिल्म की. एंड शान इज नोन टू बी वेरी पोजेसिव अबाउट हिज एक्टर्स. यस, ही स्टिल इज. ही स्टिल इज, बट इन अ गुड वे. और तुमने मतलब वो तुमने पहली फिल्म रिलीज एक और करा ली. हाउ अपसेट वाज ही विद यू? नॉट एट ऑल. Not at all. बिल्कुल मैं आपसे ऑनेस्टली बात कर रही हूँ. शायद इसलिए कि अगेन मैं यही बात भी क्लियर करना चाहूँगी बाकी अपने व्यूअर्स को भी कि शान का एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी है. उनके एक अपने ओपिनियंस हैं. आप तो पहले से उनको जानती हैं, मैं तो शायद बहुत कम अरसे से जानती हूँ, पर जो कुछ मैंने जाना है उससे मुझे ये समझ आई है कि लोग उन्हें मिस इंटरप्रेट करते. वो एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी है. हाँ, अपने ओपिनियंस वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं. हुआ ये कि जब मुझे ऑफर हुआ रोल, तो फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए सिर्फ मैं किसी को क्रेडिट दूंगी तो मैं शान शाहिद को दूंगी. मैंने अपेरेंटली एक पार्टी पे आप लोगों की मुलाकात हुई थी. नो, आई मेट हिम एट अ कॉफी शॉप. ओह रियली? अच्छा, टेल मी द स्टोरी. और मेरा एक फैन मोमेंट था. शान शाहिद इज शान शाहिद. उस दिन वो मेरे किसी एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे, तो मैं गई अपने दोस्त को मिली और मैंने कहा कि मेरी इनके साथ तस्वीर खिंचा दे. तो शान ने मेरे साथ तस्वीर खिंचाई, तो मैं उन्होंने कहा आप यहीं बैठ जाओ, कॉफ़ी हमारे साथ पियो. और 6 बजे मैंने उनके साथ कॉफ़ी पिए. 8:30 बजे मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई कि शान आपसे बात करना चाहते हैं. तो मैंने बात की, तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं. तो कहते हैं कि मेरा इस तरह एक मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो आई वुड लाइक टू कास्ट यू. तो मैंने कहा ऑडिशन. और फिर मैंने साथ ही बोला, मैंने कहा जी मेरी, बिकॉज मैं फुल टाइम काम करती हूँ दफ्तर में, तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टाइम देना. और मैंने कहा मैंने तो कभी ज़िंदगी में एक्टिंग नहीं की. तो उन्होंने कहा जहाँ एक्टर बनने के लिए एक्टिंग सीखनी ज़रूरी नहीं है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही एक एक्टिंग है. एवरी वन इज़ अ कैरेक्टर इन देयर ओन लिटिल वर्ल्ड. तो आई सेड ओके फाइन. सो ही सेड कि आप लाहौर आएँ तो मुझे मिलें. बस मैं लाहौर आई, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई. जट मंगनी पट गया. बस फिर उसके बाद मेरा ख्याल है 1 महीने बाद हमने we started shoot. अच्छा, मैं मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली कि कुछ आपने उसमें बोल्ड सीन्स भी किए हैं. जी. हाउ स्केयर्ड आर यू? मेरे अगेन जैसे मैंने बोला, मैं अपने कैरेक्टर को लेके बहुत आई ओनली प्ले थिंग्स विच माई कैरेक्टर नीड्स. सो अगर मेरे कैरेक्टर में मुझे सिगरेट पीना, जो मैं नहीं पीती वैसे, तो मैं पीऊँगी क्योंकि वो एक कैरेक्टर की डिमांड है. ओके. तो इसमें इसमें बोल्ड सीन भी हैं और इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें मैंने कुछ बोली हैं जो व्यूअर्स को अगर समझ आ जाएं तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग भी होंगी रिगार्डिंग हमारे जो आजकल के. देयर इज अ मैसेज इन द फिल्म. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. अच्छा, हमारे माशरे में औरत की इज्जत की बड़ी बात होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो औरत को देखते एक सेक्स सिंबल के तौर पर. बिल्कुल सही बोल. तो दुख होता है कि औरत ऑब्जेक्टिफाई होती है या इट डजंट मैटर? अब नहीं, देखते हैं तो देखें. बिल्कुल, देखने की चीज़ है तो देख रही होंगे ना शायद. बात सिर्फ ये है कि हम अगेन हम ये औरत और मर्द और ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, ये पहली बात तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए. औरतें भी उतनी ही मेहनत कर रही हैं जितना आदमी कर रहा है. ठीक है, मैं 14 साल से नौकरी कर रही हूँ एंड मेरे साथ मेरी टीम में 20 आदमी हैं जो मेरे लिए काम करते हैं और वो सब मर्द हैं. उन्होंने तो कभी मुझे इनसिक्योर नहीं किया. आई गेस ये माशरा जो है ना वो चीज़ों को तब्दील कर देता है. मैं जब एक्टिंग जब मैंने शुरू की या मैंने जब मॉडलिंग भी की, मुझे अपने ही घर में बहुत मसले हुए कि इजाज़त लेना किसी से. मेरे अभी भी ये प्रॉब्लम्स हैं? अब नहीं है, बिकॉज अब हमारा माशरा भी शायद तब्दील होने की कोशिश कर रहा है. बहुत प्रॉब्लम्स, येट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर हम आज ये भी बैठ के कहें कि जी हम ऐसे नहीं, तो हम सोशल मीडिया ने अच्छाइयाँ भी बहुत की हैं और बुराइयाँ भी बहुत हैं, पर उसमें अब अच्छाइयाँ ये निकल आई हैं कि लोग बोलना शुरू हो गए. फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ हद तक हमारे माशरे ने समझना शुरू कर दिया है. और वहाँ आती है एक औरत. वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच. अगर हमारे बारे में कहेंगे कि जी हम सेक्स सिंबल हैं, तो हम उससे बढ़ के हैं और हम आपको दिखाएंगे और हम दिखा रहे हैं. देयर इज अ शर्मीन ओबेचनोय हु इज देयर.
presenting the whole freaking Pakistan. That's a woman. It's not a man, is it? So why is this division of a woman and a man? There's nothing like that. So main kaam karte hue koi inequality ka ehsaas hua ki mardon ko preference ya unki fee, ye difference hai abhi bhi hai aur थोड़ा टाइम लगेगा इसको जाने में, बट वही वाली बात कि एक आंख से देखें दूसरे आंख से छोड़ के आप अपना काम करें. जब मैंने शुरू किया तो आई वुडंट से, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया तो उसमें मुझे कहीं लगा कि आपको कहीं मतलब फिर भी थोड़ा सा वो समझा जाता है बहुत सारी चीज़ों में, यू नो. पर चुप करके काम करते रहो, कोई बात नहीं, सुनो एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, काम के लिए बैठे हो ना, और मुफ्त में तो बैठे नहीं हो. यू हैव एन एग्रीमेंट, यू आर वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. इट्स फॉर मी, इट्स वर्क. जहाँ मैं दफ्तर जाती हूँ, मेरे लिए तो ये दफ्तर ही है. ओके, सो आई गेस टाइम लगेगा, बट हम कहीं ना कहीं पहुँच गए हैं. पहुँच जाएंगे, हम पहुँच भी गए हैं. ओके, अच्छा, एचआर में काम करने वाली समवन एज ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एज यू आर, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में तुमने काम किया है, तुम्हें इसकी सीरियसनेस का भी पता है. एचआर में होने के साथ तुम्हें ये भी पता होगा कि इन मामलों को डील कैसे करना है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, कि हमारी औरतों को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बस बोलें और कुछ ना छुपाएं. बोलने वालों के साथ फिर क्या हो रहा है? तो फिर पर यही तो है, बोलने वाले पर रिस्क के लिए खड़े हो जाएं. जो औरत बोलेगी वो फिर रिस्क टेकर ही होगी ना. तो औरतें और बस डर साथ नहीं देती वो तो, और वो किसी भी मुल्क में नहीं देती. विच इज़ वेरी सैड, बट ये भी गलत है. औरतें औरतों का साथ देती भी हैं. देती भी हैं. इट्स 50-50 आई गेस. अगर मेरा ओपिनियन है तो मैं तो अपना ओपिनियन रखूंगी, रिगार्डलेस वो दूसरा बंदे को अच्छा लगे या ना लगे. अब एक थोड़ा सा फन हमारा सेगमेंट है. आपको दो चॉइसेस मिलेंगी, उसमें से एक को आपने चूज करना है. और अगर आप किसी को चूज नहीं करेंगी तो आप गुलाब जामुन खाएंगे. इस वक्त गुलाब जामुन बस डाइट खराब करेंगे. हरी मिर्चें रखवा दो. नहीं, 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 नहीं. माहिरा और महवेश यार. माहिरा. सबा कमर और सजल अली. ऑलवेज सबा कमर. इकरा अजीज और सोनिया हुसैन. सोनिया हुसैन. मीशा शफी और नौशीन शाह. मीशा शफी. शान और हुमायूं सईद. हाय अल्लाह, शान. तो चलो, हुमायूं हिट बहुत जा रहे हैं. शान. नुमान एजाज और फैसल कुरैशी. नुमान एजाज. शान और नदीम बेग एज अ डायरेक्टर. काम मैंने शान के साथ किया, नदीम बेग के साथ किया नहीं है, तो आई वुड से शान. आसिम रजा और नदीम बेग. यार अब आप मुझे ना मुश्किल में डाल रही. मैं गुलाब जामुन खाने लगी हूँ. खा लो. हाय, बस थोड़ा सा खाऊँ. अच्छा चलो, मैं इतनी माफी दे देती हूँ. दे फ्रेश दो. वेरी नाइस. अच्छा जी, उमर सईद और फराज मनान. देखें, अब आपने ना इफ़त, अब ये इतनी कंजूसी नहीं चलेगी, ये तो बड़ा आसान, इतनी सी निबल कर लेना. अतर शहजाद और एच एस वाई. आए अतर शहजाद. वेल, यू डिडंट डू बैड एट ऑल. थैंक यू. उम्र के दौर बदलते रहते हैं, इंसान ऑब्वियसली एज भी करता है, लेकिन हर एक्टर इमेज वही मेंटेन करना चाहता है जो जिससे वो इंट्रोड्यूस हुआ होता है. मतलब जवानी से बुढ़ापे की तरफ आना एक बड़ा मुश्किल काम लगता है. इस मुश्किल सोच की वजह से हमारे एक्टर्स इवॉल्व नहीं कर पा रहे. आपको क्या लगता है कि एक्सेप्ट नहीं करते अपनी एज? आई गेस सो. और कितना ज़रूरी है, और इस बहुत ज़रूरी मरहला क्या है? और मैं तो ये कहूँगी, पहली बात तो ये कि मेरे कुछ पास एक्सपीरियंसेस भी हैं. मैं थोड़ा सा इससे कॉन्फ्लिक्ट करती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर. आई से वाई, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि एज एन एक्टर आपको एक 18 साल की लड़की ही मिलेगी तो आपकी फिल्म हिट हो जाएगी. ज़रूरी नहीं है. और 18 साल की लड़की के अलावा एक शायद 30 साल की लड़की भी वो उससे बेहतर काम कर लेगी. बट हमारा ये जो एज का एक कॉन्सेप्ट है ना, कि जी बेरहमी की हद तक है,
not only in Pakistan, it's in Bollywood and even in Hollywood. Exactly, yeah. Exactly. So वो तो दुनिया में हर जगह है, पर हमारे लोगों को भी as an actors, हम actors को भी ये accept कर लेना चाहिए कि हम 18 साल के नहीं हैं और उससे भी निकल आएँ कि 25 के बाद भी हम ऊपर जा सकते हैं. मतलब अगर हम हैं ही 35 के तो हम फिर 25 क्यों बोलें. अच्छा, पाकिस्तान में जिस किस्म के सब्जेक्ट्स, बिकॉज जेंडर बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, एक एक्टर के पास परफॉर्मेंस का मार्जिन कितना है अ फीमेल एक्टर? स्क्रिप्ट्स थोड़ी और बेहतर हो जाएं तो बहुत मार्जिन होगा. जब स्क्रिप्ट्स अच्छी आती भी हैं तो द गर्ल्स आर डूइंग रियली वेल हमारे. बट स्क्रिप्ट्स मुझे अभी तक लग रहा है कि हमारे पास इतना वॉल्यूम नहीं है स्क्रिप्ट्स का. ड्रामों में तो हमारी मार्केट भी बहुत छोटी है. हमारी जो मासेज है वो तो वैसे ही ड्रामास देखते हैं, क्योंकि कितना बंदा अफोर्ड करेगा एक 500-600 रुपए का टिकट? 900 का हो गया. नहीं जी, मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो शायद 900. अब 900 रुपए एक बड़ी रकम है. बहुत बड़ी रकम है एक नॉर्मल आदमी के लिए. लेकिन सिनेमा हर जगह बड़ा होता है, पीक होती है शोबिज की, स्टोरी टेलिंग की. हमारा सिनेमा टेलीविजन से आगे क्यों नहीं जा पा रहा? हमारा टेलीविजन ज्यादा बड़ा है. टेलीविजन इज आवर सिनेमा राइट नाउ, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल बहुत है. बहुत इकोनॉमिकल है ना. आप अगर मेरे घर में टीवी नहीं है और मेरे साथ वाले नेबर के घर में टीवी है, मुझे इजाजत देते हैं देखने की, तो मैं तो वहां जाके बैठ के ड्रामा तो देखूंगी ना. और अब सिनेमा के लिए तो मुझे टिकट सब कुछ. और दिस फोन, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. अब तो यूट्यूब और ये आप सब कुछ आपके हाथ में. यू आर नोन फॉर योर स्पेशल फैशन शूट्स. तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम्हारा अपना बहुत इनपुट होता है और इसलिए तुम्हारी कैंपेन्स सारी कैंपेन्स से डिफरेंट लगती है. क्या अपना इतना इनपुट क्यों डालती हो, इतनी मेहनत क्यों करती हो? क्योंकि मैं उसमें खुद होती हूँ. तो मैं जैसे आज भी मैं आपको कह रही थी कि मैं वही पहनूंगी जो मुझे लगता है कि जो मुझे रिप्रेजेंट करे. सो अगर मैं लॉन का भी शूट करूँगी तो वहाँ कहीं किरण मलिक दिखनी चाहिए लोगों को, कि मैं वही दिखूँ जो मैं हूँ. So that might be the reason. और again, मैं जब शूट से पहले एक दिन पहले हमेशा अपने जिनके साथ भी काम करती हूँ, I sit and I go through everything myself. क्योंकि अब जब देना ही है तो अपना 100% दो. 100% दे. किरण एक मदर भी है, एक बीवी भी है. रोजाना इंस्टाग्राम पे